मेरे अंगूठे दर्द करते हैं, मैं अब कुछ दिन फोन बैंड नहीं करूंगा कम से कम एक महीना। लेट्स ड्रॉप इट इन 3, 2, 1। यूजली वीगन लेदर के फोन में आप आलू आराम से छील सकते हैं, बटन निकले तो नहीं बट टूट बड़े आसानी से गए हैं। ओ इंस्टेंटली कैच हो जा रहा है फायर से और उसको तुरंत हम ठंडा कर दें। इस फोन को देख के आपको Realme 10 Pro Plus की तो याद जरूर आई होगी एंड ये रहा वो फोन। अगर आप 11 Pro, 11 Pro Plus किसी पे जाते हैं दोनों एग्जैक्टली सेम हैं। फर्क क्या है आप कंपैरिजन रिव्यू चेक कर लीजिएगा। लास्ट फोन जो हमने ट्राई किया था Motorola Edge 40, सो फॉर प्रॉपरली वर्किंग इसको भी हम बहुत जल्दी मेगा डॉप्टर्स में इंक्लूड करते हैं। परफेक्टली वर्किंग फोन, मैंने एकदम सिंपल सेटअप लगाया था कि बर्न टेस्ट में हमें मार्क्स बड़े आसानी से नजर आ जाए। एंड द 200 MP 11 Pro Plus, लेट्स ड्रॉप इट इन 3, 2, 1। बहुत ही गर्म पानी है। आज हम थोड़ा सा यहाँ पे हॉट टेस्ट करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वाटर भरा गया है, रियली हाई टेम्परेचर है। फिर से एक बार ड्रॉप करके देखते हैं 3, 2, 1। कैजुअल से टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं गाइस, आप ये सारे टेस्ट ट्राई मत करिएगा, मे बी आपका फोन डैमेज हो सकता है। एंड दिस इज फॉर द नाइस थंबनेल द Realme। काफ़ी जोक हो गया, फ़ोन को यहाँ पे हम रख देते हैं और यहाँ पे अराउंड 70 लीटर्स ऑफ वाटर है। प्रेशर थोड़ा सा हाई है, इस फ़ोन में कोई भी IP रेटिंग नहीं है, दैट्स वाई हो सकता है फ़ोन ख़राब भी हो जाए। पाँच मिनट से गाइस ज़्यादा ही हो गए हैं तो हम थोड़ा सा प्रो करने लगे ना, हम ड्यूरेशन नहीं देखते हैं, जब तक मन करता है हम पानी में डुबा के छोड़ देते हैं। वीगन लेदर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर इस पर ठहरता है कि नहीं ठहरता है। प्लास्टिक पे तो बड़े आसानी से बह जाता है लेकिन यहाँ पे यस ये भी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओलियोफोबिक इफेक्ट यहाँ पे भी है। कैमरे लेंस पे कोई भी पानी नहीं इकट्ठा हो रहा, यानी कि ये भी ओलियोफोबिक कोटिंग से आया है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि पानी ठहरता नहीं ठहरता है, यहाँ पे भी पानी फटाक से पूरा निकल जा रहा है। तो फर्स्ट सिमट्रे चेक करते हैं क्या यहाँ पे लिक्विड है कि नहीं है। थोड़ा सा फील तो हो रहा है गैस्केट प्रोटेक्शन के इनसाइड एक छोटा सा लिक्विड का ड्रॉप है, तो शायद हो सकता है इनसाइड लिक्विड गया हो। ये मास्किंग टेप हमारे बहुत काम आता है, लेट्स सी कि फोन के इनसाइड में लिक्विड है कि नहीं है। शेक इट सैया, थोड़े से लिक्विड के ड्रॉप्स निकले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये छोटे छोटे कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे हैं जैसे कि ये 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 ये। सो फोन तो प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, सारी चीज़ें वर्क करनी चाहिए। एंड ये रहा कैमरा, ये रही क्वीन एलिजाबेथ, ये रही क्वीन विक्टोरिया, एंड सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग है। लेट्स स्टार्ट विद द सिम ट्रे। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए और इनसाइड ब्लैक पेंट है, ब्लैक प्लास्टिक है, तो जरा सा भी पेंट हटेगा इसलिए प्लास्टिक यहाँ पे नजर आने वाला है। ऑन द एक्सीडेंटल बैंड टेस्ट में क्या सिम ट्रे टूटता है? नोप, ऐसी कोई मेजर फॉल्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। इनसाइड जो स्टील है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया बट उससे कोई दिक्कत आएगी नहीं और आपके फ़ोन में सिम ट्रे लॉन्ग लाइफ तक चलता रहेगा। कंपेयर टू Motorola एच 40 के दोनों ही फ़ोन में एग्जैक्टली सेम वीगन लेदर यूज़ किया है बट Realme ने परफेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, शायद इसी वजह से कुछ फीचर्स यहाँ पे कट डाउन कर दिए। एज यूजुअल प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है Realme के इस फोन में, नथिंग बिग डील इस प्राइस में, जनरली ऐसा ही मिलता है। माइनर डेंट्स या कट लगने से जो ब्लैक पेंट है वो इजली विजिबल हो सकता है। छोटा सा ईयर पीस ग्रिल ऑन द टॉप भी है एंड द नॉइस कैंसिलेशन माइक, बॉटम में टाइप सी नो हेडफोन जैक, स्पीकर
एंड द कॉलिंग माइक। यूजली वीगन लेदर के फ़ोन में आप आलू आराम से छील सकते हैं और कुछ ऐसी लेयर निकल आती है, क्या सेम तरह की चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है? वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नक्काशी वाला काम किया गया है, ये भी फाइंड करना है कि जो थ्रेड्स यहाँ पे, क्या ये रियल थ्रेड है, ये वही डिज़ाइन है जो वुमेंस के क्लॉथ में लगता है। लेट्स फाइंड एवरीथिंग। फर्स्ट अगर हम इसको पील करते हैं, और पहले भी हमने वीगन लेदर ट्राई किया है, आई थिंक कंपेयर टू मोटरोला के यहाँ पे जो लेदर यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा स्टिफ भी ज़्यादा है और उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बेटर लग रही है। सेम तरह का वीगन लेदर हमने पहले भी देखा था रियलमी के GT 5G में, GT मास्टर में। लेट्स कट एंड सी व्हाट्स इनसाइड। वैसे काफ़ी थिक है वीगन लेदर, मोस्ट लाइकली आपके एजेस से निकल सकता है अगर आप विदाउट केस फ़ोन यूज़ करते हैं तो। फ़ोन को प्रोलॉन्ग यूसेज में शायद यहाँ से ऐसे बाहर से लेयर थोड़ी सी निकल सकती है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स वाई यूज़ अ गुड केस एंड बॉक्स में आई थिंक आपको इनफ केस दिया जा रहा है। वाव, तो पूरी एक मोटी सी लेयर निकल आ रही है, जैसे लगता है कि ये लेदर है, ये छोटा सा लेदर है जो इस प्लास्टिक पे ऐसे स्टिक किया गया है। एंड ये रहा आपका वीगन लेदर जो कि इस फ़ोन पर लगाया गया, थोड़ा सा स्ट्रेची टाइप का है, जैसे कि आपकी स्ट्रेचेबल जीन्स होती है। एंड यहाँ पे जो थ्रेड है वो आई थिंक सो जस्ट एक कॉस्मेटिक डिज़ाइन है, कोई भी रियल थ्रेड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अगर इसको मैं ऐसे निकालूँ, नो, यहाँ पे कोई भी ऐसा थ्रेड नहीं है, जस्ट ये कॉस्मेटिक डिज़ाइन है। और ये जो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ की गई है, ये एक हार्ड प्लास्टिक है जो इस पर स्टिक की गई है, काफ़ी ज़्यादा ग्लू यहाँ पे लगा हुआ है। इस लेदर के साथ आई थिंक विथ हाई टेम्परेचर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये ग्लू जब इतनी आसानी से बाहर निकल सकता है तो मे बी अगर आप किसी हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, आपका फ़ोन किसी हाई टेम्परेचर पे आता है तो शायद ये आसानी से जल सकता है। लेट्स सी गाइस, ऑन द हाई टेम्परेचर क्या ये वीगन लेदर फायर के अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम करता नहीं करता है। तो मैं कैमरे की साइड से बर्न करूँगा बिकॉज यहाँ पर बैटरी होती है, तो मैं वो ऐसा रिस्क नहीं लूँगा। इसको साइड से बर्न करते हैं, हो इंस्टेंटली कैच हो जा रहा है फायर से, देखा आपने, और उसको तुरंत हम ठंडा कर दें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ना, ये थोड़ा सा ऐसे पिघलने सा लगा है और कुछ ऐसा पेंट टाइप का बाहर आ रहा है। तो अगर आपको ये फ़ोन एक्सीडेंटली फायर के या किसी ऐसी चीज़ की क्वांटिटी में आ जाता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो शायद ये चीज़ आसानी से पिघल सकती है, आई मीन कुछ ना कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है इस फ़ोन के साथ। केयरफुली इस बैक पैनल को देखें तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट सेट ऑफ लेयर्स नज़र आएंगे। फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे जो वीगन लेदर है एक वो है इनसाइड, जस्ट ये जो है ये आई थिंक कुछ मे बी इट्स अ क्लॉथ और मे बी इट्स सम काइंड ऑफ पेपर है, क्योंकि एग्जैक्टली ये प्लास्टिक नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी रफ वाली फीलिंग आ रही है, मैट फिनिशिंग आ रही है, बट उसके इनसाइड पे यहाँ पे एक हार्ड प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक ऊपर पहले ये लेयर लगाई गई है, वट एवर इट इज़ क्लॉथ और पेपर, उसके ऊपर ये वीगन लेदर स्टिक किया गया है। देन एंड सेंटर यहाँ पे ऐसा एक हार्ड प्लास्टिक है जिस पे ये पार्ट ऐसे स्टिक किया गया था। तो कुछ इस तरीके से इस फ़ोन का बैक पैनल बनाया गया है। रिमेंबर रियलमी एक्स सीरीज जब आती थी, X1, X2, वहाँ पे मेटल के बटन होते थे ऑन दी पावर। अब कंपनी ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर दी है एंड बटन सब प्लास्टिक मिलते हैं। विद द एक्सीलेटर प्रेशर बटन निकले तो नहीं बट टूट बड़े आसानी से गए हैं, एंड आई थिंक ये फिक्स हो जाना चाहिए। यस, फिक्स हो गए हैं, काम नहीं कर रहा है ये बटन, यहाँ पे जैम हो गया, जस्ट वॉल्यूम लो ही काम कर रहा है। एंड हाउ अबाउट द पावर बटन, ये बाहर तो नहीं आ रहा है। एंड अबाउट द कैमरा बम्प, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं। एट द फर्स्ट यहाँ पे ये प्लास्टिक यूज़ किया गया है, फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज। एंड ऑन द सेकेंड जो सेकेंड लेयर है वो भी प्लास्टिक की है, उस पर पेंट जॉब है। एंड द डीपेस्ट लेयर जो है सबसे इनसाइड वो भी प्लास्टिक की है। ईयर पीस क्रिल काफ़ी टाइनी है और मोस्ट लाइकली ये डैमेज नहीं होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आप कैरी करेंगे वो इसके इनसाइड में नहीं जा सकते हैं। ग्लास की क्वालिटी भी चेक करते हैं ऑन द स्क्रीन साइड फॉर द प्रोटेक्शन। अभी मुझे नहीं पता गाइस यहाँ पे कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है,
इट डजंट लुक लाइक अ वेरी गुड क्वालिटी गाइस. अगर आप यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो मैं स्क्रैचेस लाइक बहुत सारे पिक्स पे देख पा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ऑन द लेवल 3 भी मैं यहाँ पे स्क्रैच देख रहा हूँ, 4 पे भी बहुत हल्के से स्क्रैच हैं, 5 पे भी आप फेलियर स्क्रैच देख सकते हैं, 6 पे भी देख सकते हैं और 7 पे भी देख सकते हैं. इसका रिजल्ट नियर अबाउट वैसा ही जैसा हमें मोटरोला एज 40 में मिला था, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़ रहा है बिकॉज जो ग्रूव्स हैं वो उतने डीपर नहीं हैं जितने कि मोटो एच 40 में पड़ रहे थे. सो क्लियरली फॉर द प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्लास नहीं यूज़ किया गया है और आपके इस डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील, कॉपर, टंगस्टन, जिंक जो थोड़े से हार्डर मेटल होते हैं, इंक्लूडिंग डस्ट एंड सैंड, वो भी आसानी से इस डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं. ऑन द रियर साइड यहाँ पे थोड़ा सा बेटर पार्ट है. इतना बड़ा कैमरे का ग्लास यहाँ पे दिया गया था, स्क्रैच करने के लिए मेरे पास बहुत सारी जगह पे है. लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं. कैमरे का मॉड्यूल आई थिंक ज़्यादा बेटर दिया गया है बिकॉज ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है. कंपनी ने फ़ोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा कर दिया है तो शायद आपको स्क्रैचेस कुछ महीने तक तो नज़र नहीं आने वाले हैं. सेकेंड टाइम बर्न टेस्ट परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा क्यों किया वो आप BTS में चेक कर लीजिएगा. फिलहाल लेट्स सी गाइस कि ये डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू फायर. वैसे काफ़ी जल्दी यहाँ पे बर्न मार्क आ जा रहा है, लाइक पिक्सल्स बर्न तो हो जा रहे हैं बट रिकवर भी बहुत ईजली हो जा रहे हैं, लेकिन जो ओलिफोबिक कोटिंग है वो शायद वहाँ से हट जाती है. फॉर दी कैजुअल बर्निंग आई थिंक डिस्प्ले प्रॉपरली रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम बर्न होता है देन ये क्विकली बर्न हो जाएगा जस्ट लाइक हियर. टाइम फॉर दी बेन टेस्ट. लिखते हैं गाइस 11 प्रो प्लस और एक किंग खान फोन बेन के टेस्ट में कैसे निकल गया था. वैसे रियलमी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा पुअर भी है. रिमेंबर रियलमी GT Neo 3T और GT 2 प्रो काफ़ी बुरी तरह से भी फेल हुए हैं और काफ़ी अच्छे भी निकल गए हैं. 10 प्रो प्लस काफ़ी सॉलिड फ़ोन था. फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बंद करते हैं इन 3, 2, 1. कोई भी एज सच स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है. फोन में ज़्यादा फ्लैक्स भी नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल जितना होना चाहिए एंड डिस्प्ले भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है. लेट्स ट्राई विद द रियर साइड 3, 2, 1. विद द 8 फिंगर प्रेशर अगेन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. ऑन द डिस्प्ले साइड भी इट्स परफेक्टली ओके. सो बेंड के टर्म्स में फ़ोन काफ़ी सॉलिड निकल के आ रहा है. इन द समरी में क्या इस फ़ोन में कुछ वीकनेस है कि नहीं है, वीकनेस तो नहीं कह सकते हैं बट प्रॉब्लम ये है ना और पॉइंट ये कह सकते हैं, जब सेम प्राइस पॉइंट पे IP रेटेड फ़ोन विद द मेटल कंस्ट्रक्शन मिल सकता है सेम प्राइस पे, अदर ब्रांड्स वो सारी चीज़ें क्यों नहीं ऑफर कर सकती हैं. टेस्ट बिग क्वेश्चन, आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कुछ रीज़न क्या हो सकता है. स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा डॉक टेस्ट कमिंग सून इन जस्ट फ्यू डेज. 3, 2, 1. एक्चुअली मैंने काफ़ी तेज फ्लेम वाला यहाँ पे यूज़ किया था सो उससे मुझे लगता है कि पिक्सल परमानेंटली यहाँ पे बर्न हो गए हैं.